नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और आपके साथ मैं हूं प्रत्युष करे। शुरुआत बंद की जंग से। बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल के मालदा में, योगी आदित्यनाथ की सभा बस थोड़ी देर में होने वाली है। मालदा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल में चुनावी रैली करेंगे योगी आदित्यनाथ। मालदा में देखिए किस तरीके से परिवर्तन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। रोड शो करने के बाद रैली को भी संबोधित करने वाले। कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 बजे के आसपास उनकी चुनावी सभा होगी और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खास तौर पर मालदा पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ, यानी कि योगी आदित्यनाथ के बंगाल में चुनावी प्रचार का आगाज उस जगह से हो रहा है जहां पर बीजेपी ने पिछली बार 2 सीटें जीती थी। पश्चिम बंगाल रवाना होने से पहले योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम से राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाली वीर भूमि को नमन। तो देखिए, अपने दौरे पर है, पश्चिम बंगाल दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट भी किया है। ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, मालदा में बस कुछ ही देर में चुनावी रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। परिवर्तन की जो रथ बीजेपी ने निकाली है उसको आगे बढ़ाते हुए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। आज मालदा का रैली में योगी जी आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ आने के बाद पर यहाँ का जितने सारे कार्यकर्ता हैं ये बहुत उत्साह है। हम दिखाने बोलेंगे हमारा कैमरा पर्सन को, यहाँ का मंच जो है, जिस मंच से आज योगी जी संबोधित करेंगे वो मंच को हम दिखाने बोलेंगे, कैमरा पर्सन को बोलेंगे। जो मंच यहाँ पर दिख रहा है इसी मंच से योगी जी आज संबोधित करने वाले हैं मालदा का जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनका जितना सपोर्टर्स है, उनका जितना कर्मी है, उनका जितना समर्थक है सबको, और इसी मंच से वो शायद कुछ ऐसा बोलेंगे जो कि मतलब यहाँ का कार्यकर्ता सोचते हैं कि वो बहुत इफेक्टिव होगा बंगाल का चुनाव के अंदर। और इसी मंच का जिस तरफ जी जोन है, जी जोन के बाद जो वीआईपी जोन है इसमें सबसे पहले दिखा जा रहा है। हम कैमरा थोड़ा घुमाने बोलेंगे, देख सकते हैं आप, ये डी जोन का बाद जो है ये वीआईपी जोन है। इसी वीआईपी जोन में जो है महिला कार्यकर्ता सब अभी से पूरा भरा हुआ है, मतलब ये वीआईपी जोन है। वीआईपी जोन में जो भी है वो सब महिला कार्यकर्ता है और उसे पे पूरा भरा हुआ है। और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ सिक्योरिटी का अरेंजमेंट पूरा एकदम तैनात है, यहाँ का बंगाल का पुलिस पूरा तैनात है, सिक्योरिटी रिजन बहुत हाई। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का, मालदा में भवानंद हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। भवानंद, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि कितने बजे योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सभा को संबोधित करने वाले हैं और कितने की संख्या में वहां पर भीड़ जुटी है। देखिए, जो सबसे पहले मैं बात बताना चाहूंगा, मैं अपना कैमरा पर्सन का बोलूंगा, कैमरा का पीछे जो मंच है उसी मंच से योगी आदित्यनाथ जी संबोधित करेंगे, मगर सामने का परिस्थिति देख लीजिए थोड़ा। मैं जो पंडाल यहाँ लगा हुआ है उसका बीचों बीच खड़ा हूँ, हमारा कैमरे का दाहिने तरफ जो मीडिया फ्रेंड्स का सब कैमरा है, और सामने जरा परिस्थिति देख लीजिए, ये पूरा पंडाल जो कि भरेगा या ना भरेगा, आदमी आ पहुंचेगा, कार्यकर्ता आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब सवाल उठ रहा था, अब पूरा के पूरा भरा हुआ है। मगर यहाँ पर जो मंच दिख रहे हैं आपको, तो ये मंच में पूरा जगह आप देख सकते हैं कितना आदमी भरा हुआ है, और यही सोचता कि यहाँ पर आदमी आएगा या नहीं आएगा, पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। योगी जी के आने का समय अभी भी बहुत देर है। ये जो दाहिने तरफ हम लोग का कैमरा का दाहिने तरफ जो राइट साइड में जो जगह है उसमें भी इतना सारा आदमी है, जो बाएं तरफ भी बहुत सारे आदमी है, आप लोग देख सकते हैं, मतलब कितना बड़ा पंडाल है और इसमें कितना आदमी है और उसमें कितना उत्साह है, ये मतलब पूरा कैमरा का लेंस तक भी वहां नहीं पहुंच रहा है, इतना उत्साह यहाँ पर देख रहा है। और 1:50 में योगी जी का आने का बाद यहाँ पर है, और योगी जी आने का बाद उत्साह कैसे बनेगा वो आप लोग हम तब बता सकेंगे। और जहाँ पर हम लोग का कैमरा है, इस कैमरे का मेरे दाहिने तरफ कैमरे का लेफ्ट साइड में वहाँ नारी मोर्चा बीजेपी का नारी मोर्चा बैठे हुए हैं, तो वो सब इतने सारे नारी मोर्चा वहाँ बैठे हुए हैं, हम दिखा नहीं पा रहे हैं, वहाँ इतना भीड़ है हम दिखा नहीं पा रहे हैं। वो लोग वहाँ बैठे रहेंगे, जब योगी जी आएंगे तब यहाँ शंख बजेगा और उलू ध्वनि होगा,
जो कि बंगाल का रीति और रिवाज है, आपको सुनने में आ रहा है कभी भी यहाँ पर आवाज आ रहा है भारत माता की जय, जय श्री राम और जोगी जी का नाम पे नारा लग रहा है। सब पूरा उत्साह का साथ यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कब तक जोगी जी यहाँ पहुंचेंगे। और यहाँ का आदमी लोग पूरा बेचैनी से देखिए शांत बैठे हुए, हम यहाँ पर 4 घंटा से है और पहले का सारी में जितने सारे आदमी आप देख रहे हैं ये सब आदमी 4 घंटे पहले से आए हुए हैं और सब यहाँ शांत से बैठे हुए हैं और यहाँ सभा का मजा ले रहे हैं और यहाँ सभा में जोगी जी क्या बोलेगा उसका तरफ अंदाजा देके बैठे हुए हैं। अब देखने बात है कि जोगी जी क्या बताते हैं और उसका परिस्थिति उसके बाद क्या होता है। चलिए भवानंद आप बने रहे हमारे साथ, कोलकाता से हमारे एक और सहयोगी ग्राउंड जीरो से अभिषेक भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक सवाल यह है कि मालदा ही क्यों चुना गया, मालदा के बारे में जरा बताइए क्योंकि बांग्लादेश से लगती हुई ये सीमा है जहां पर हथियारों और जाली नोटों की तस्करी हमेशा एक बड़ा मुद्दा रही है। देखिए बांग्लादेश से सटा हुआ जो मालदा है वहां पर सबसे ज्यादा रोहिंग्याओं की हमेशा बात उठती आई है कि जो सबसे ज्यादा इनके घटना को अंजाम देने वाले जो टीएमसी के गुंडे होते थे वो मालदा और मुर्शिदाबाद से सटे बांग्लादेश से ही आते थे और उसी पर बीजेपी बार बार आरोप लगाती थी कि इन रोहिंग्याओं को आप शरण देते हैं, शरणार्थी बनाकर रखा हुआ है तमाम बॉर्डर इलाकों पर और वो मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से वहां पर सबसे ज्यादा जो संख्या है मुसलमानों की वो रोहिंग्याओं की है। फर्जी उनके वोटर आईडी कार्ड्स बना दिए जाते हैं, उनके राशन कार्ड बना दिए जाते हैं, फर्जी उनके आधार कार्ड बना दिए जाते हैं और उनको एक वोटर्स में तब्दील कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा आरोप हमेशा से बीजेपी लगाती आई है तमाम मालदा और मुर्शिदाबाद से सटे इलाकों के लिए। और देखिए अभी कुछ दिन पहले जो अर्जुन सिंह है स्टेट प्रेसिडेंट है बंगाल के, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मालदा मुर्शिदाबाद के बॉर्डर्स पे इन रोहिंग्याओं को ला के डिप्लॉय किया गया है कि मौका मिलेगा तो हिंसा करने के लिए इनको बंगाल के तमाम अंदरूनी इलाकों में छोड़ा जाएगा। और ये वो भी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा देखिए 12 सीटें हैं मालदा में विधानसभा की और 12 सीटों पर सबसे ज्यादा कांग्रेस और सीपीएम है। तो कांग्रेस को भी एक तरीके से सबक सिखाना बीजेपी चाह रही है और बीजेपी को यह पता है कि 50% जो वोटर्स हैं मुसलमान उनको छोड़ के तमाम जो वोटर्स हैं जो हिंदू हैं जो बहुसंख्यक हैं उन पर उनका ध्यान केंद्रित है क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जो है वो तो हिंदू के मतलब एक तरीके से भेष में यानी अभिषेक उनको वहां पर इसीलिए रोहिंग्या का मुद्दा उठेगा आज की सभा में और साथ ही साथ अवैध घुसपैठ का भी मुद्दा जरूर उठाएंगे योगी आदित्यनाथ। ये तय है, बिल्कुल तय है कि रोहिंग्याओं का मुद्दा उठना ही उठना है और वहां पर बीजेपी इसी को लेकर टारगेट कर रही है। बीजेपी ने हमेशा कहा है कि वहां पर जो मुसलमान है वो बंगाल के नहीं है, वो बांग्लादेशी हैं, वो बंगाल के धरती के नहीं है, वो बांग्लादेशी हैं। और आज देख लीजिएगा योगी आदित्यनाथ ये बड़ा मुद्दा जरूर उठाना चाहेंगे और जो वहां के तमाम जो मुसलमान हैं उनको भी बंगाल का होने का दावा देकर उनको भी बीजेपी की तरफ वोट देने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की जाएगी। हिंदू तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि कोर पॉइंट वहां पर रोहिंग्याओं का ही उठाया जाएगा, बांग्लादेशियों का ही उठाया जाएगा, फर्जी वोटर्स का ही उठाया जाएगा। अभिषेक बने रहिए आप हमारे साथ, एक बार फिर से मालदा का रुख कर लेते हैं जहां पर अब से थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ की सभा होने वाली है और वहां की तस्वीरें हमारे सहयोगी भवानंद दिखा रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या में वहां पर समर्थकों की भीड़ है। भवानंद देखिए यहां आने से पहले योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है, नमस्कार बंगाल, सनातन संस्कृति की जागृत धरा पर आज आप सभी के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। वंदे मातरम के अमर उद्घोष से संपूर्ण देश की राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाली वीर भूमि को मेरा नमन। आखिर में लिखते हैं जय श्री राम, यानी आज इस मंच से एक बार फिर से जय श्री राम की गूंज सुनने को मिलेगी। भवानंद एकदम हम लोगों को तो पहले से ही मिल रहा है, हम सवेरे से यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर जय श्री राम का नारा जो है एकदम पहले से लग रहा है। पूरा एकदम जितना सारे यहाँ समर्थक है, समर्थक के अंदर सुनने में आ रहा है आप लोगों को, बोलते बोलते आप लोगों को सुनने में शायद आ गया कि जय श्री राम का नारा अभी से लग रहा है और जय श्री राम का नारा यहाँ लगेगा। यहाँ पर जो सब इशू है बंगाल, ये बांग्लादेश से सटा हुआ बंगाल है और बांग्लादेश से नजदीकी सीमा है एकदम और उसके बगल में ये जो जगह है इस जगह पर इतने सारे बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी समर्थक आएंगे ये कोई सोच भी शायद नहीं सकता था, मगर इसके थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही गया था जब लोकसभा चुनाव में 12 असेंबली है यहाँ पर मालदा में और 12 असेंबली का अंदर 10 असेंबली पर बीजेपी लीडिंग में थे और इसी से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर ज्यादा नजर दे रहे हैं और यहाँ उन लोग का समर्थक भी ज्यादा बढ़ रहा है जो कि हमारा कैमरा।